हमारी दुनिया करोड़ों अरबों सालों के संघर्ष के बाद ही आज मुकाम तक पहुंची है। दुनिया के अतीत से सभी लोग थोड़ा वाकिफ हैं, पर भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। हम सिर्फ इसके बारे में कल्पना ही कर सकते हैं या अनुमान ही लगा सकते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक और विशेषज्ञों द्वारा किए गए साइंटिफिक आविष्कारों द्वारा हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे भविष्य की दुनिया कैसी होगी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी दुनिया 2050 में कैसी होगी। 2050 तक विश्व की जनसंख्या 900 करोड़ से भी अधिक होगी, क्योंकि तब तक टेक्नोलॉजी आज से अधिक उन्नति कर चुकी होगी। इसके चलते लोगों की मृत्यु दर बहुत ही कम हो जाएगी। 2050 तक हमारे भारत की आबादी चीन से भी अधिक होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2050 तक समुद्री स्तर कई सेंटीमीटर तक ऊपर उठ जाएगी, जिसके चलते बहुत सारे देश जैसे कि डेनमार्क, नेदरलैंड आदि देशों को भयंकर बाढ़ का सामना करना होगा। ढाका जैसे शहर इस वजह से पानी के नीचे जाने की पूर्ण संभावना होगी। 2050 तक ज़्यादातर स्कूलों में सिखाने के लिए टीचर होलोग्राम टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स को स्कूल जाने के लिए कोई निर्धारित समय नहीं होगा। स्कूल कब जाना होगा वो लोग खुद ही तय करने में सक्षम होंगे। न्यूयॉर्क जैसे शहर 2050 तक स्वर्ग जैसा होगा। उस समय वो लोग बहुत उन्नत जैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते होंगे। अगर पहले से ही विकसित शहरों की बात आती है तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह शहर हजारों गगनचुंबी इमारतों से भरा होगा, जिसमें ऑफिस, दुकान, मनोरंजन केंद्र, शिक्षा केंद्र और रहने के लिए जगह होगी, ताकि लोगों को अपने घरों को छोड़कर कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े। शोधकर्ता और विशेषज्ञों का अनुमान है कि साल 2050 तक बहुत सारे उड़ने वाली कारें होंगी। स्थल से ज़्यादा बायोमार का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अभी तक उड़ने वाली कारों के प्रयोग आधे तरीके से ही सफल हुए हैं। उम्मीद है कि 2050 तक ये प्रयोग पूरी तरह सफल हो जाएगा। ये कार कंप्यूटर के जरिए चलेगा, इसके चलते सड़कों पर दुर्घटना कम हो जाएंगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है हमारी दुनिया 2050 तक इतनी तरक्की कर पाएगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दें और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।